हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राशि की रसोई। आज की हमारी रेसिपी है खट्टी मीठी इमली की चटनी, जिसे हम लोग दही बड़ा या फिर चाट वगैरह में खाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने इमली का पल्प लिया है, गुड़, तेल फ्राई करने के लिए, और 2 चम्मच जितना चीनी, और ये 1 चम्मच जितना जीरा, 1 चम्मच जितना सौंफ, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, और 1 से 1.5 चम्मच जितना नमक और 2 सूखी लाल मिर्चें। तो आइए इसे बनाते कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम लोग 1 चम्मच जितना तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें हम लोग जीरा, सौंफ और सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। उसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। यहाँ सौंफ डालना ऑप्शनल है, अगर आपको सौंफ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो आप ना डालें, या फिर आप यहाँ पे क्रश करके भी इसे डाल सकते हैं। हल्का सा ड्राई रोस्ट करें और फिर मसाला कूटने वाले में कूट के इसको ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही खड़ा वाला अच्छा लगता है तो मैंने इस तरीके से डाला है। अब इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे हम लोग। देखिए ये हो गया है। अब यहाँ मैंने जो इमली का पल्प बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे। इसके लिए मैंने 50 ग्राम जितना इमली को 1 घंटे पहले हल्के गुनगुने पानी में सोक कर दिया था। उसके बाद उसका हाथ से मैश करके पल्प निकाल लिया। अब हम इसे पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा उबाल नहीं आ जाता। देखिए हमारा इमली का जो मिक्सचर है उबलने लगा है। अब इसमें हम लोग गुड़ ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम जितना गुड़ पहले से ही बारीक टुकड़ों में काट के रखा है। अब हम इसे ऐड कर देंगे और इसे भी इसके साथ मिक्स कर देंगे और अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, चटनी बहुत ही कम सामान के साथ बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। बेस्ट पार्ट तो ये है कि हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस इसे ठंडी जगह पर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होती है। और ये दही बड़े चाट के साथ तो जाती ही है, इसे हम लोग पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया हमारा अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने अपने सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए, जीरा, लाल मिर्च, नमक, ये सब सारा ऐड कर देंगे और इसे अच्छा बॉईल आने देंगे। इसी स्टेज पे हम लोग ने जो 2 चम्मच चीनी रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये चीनी, यहाँ पे चीनी आप ज़रूर डालें क्योंकि गुड़ भी हमारा थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए अगर हमें अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए चटनी में तो 2 चम्मच चीनी ज़रूर डालें। अब देखिए इसे हम लोग 7 से 8 मिनट बॉईल कर लेंगे। अभी देखिए ये कितना पतला है, अब बॉईल करने के बाद ये अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। 7 से 8 मिनट आप इसे लो फ्लेम पे या लो मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। देखिए अभी ये हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बीच बीच में आप इसे कंटिन्यूसली चलाते भी रहें। देखिए अच्छा बबल्स जैसा उठने लग गया है ना, हमारी चटनी मस्त एकदम बन के रेडी है। देखिए इस स्टेज पे आप गैस को ऑफ कर दें क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चटनी ठंडी हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए और ये गाढ़ी हो गई है। देखिए इस तरह से पूरा चम्मच को कोट कर रही है, मतलब हमारी चटनी का टेक्स्चर बहुत ही सही है। आप चाहें तो इस चटनी को इसी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आपको मार्केट जैसी सिल्की स्मूथ चटनी चाहिए तो आप इसे स्ट्रेनर में डाल के छान लें और आपकी एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट स्मूथ चटनी रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।